प्रमुख पंडाल से बाहर के जो छोटे पंडाल लगाए गए हैं वो भी लगभग हर देश हर मार्केट में पधारे हैं। कृपया जितना भी आप पर्व है श्रावण सोमवार का प्रथम हाँ उठाओ ना सन 1980 में पंडित रविशंकर शुक्ल नगर निगम स्टेडियम जबलपुर से प्रारंभ हुआ और इसके पृष्ठभूमि में गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने कहा कि हमारी गुरु दक्षिणा यही होगी कि राष्ट्र कल्याण के लिए 125 करोड़ पार्थिव शिविर निर्माणों का अधिक से अधिक निर्माण कराएँ। 80 से ये मिशन चालू है। उनने आदेश दिया था 45 यज्ञों का लेकिन आज ये 93 आयोजन चल रहा है। देखिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और हम लोग दद्दा जी के सानिध्य में पिछले 15-16 साल से जो है सेवा करने का मौका मिलता है तो साल भर तो हम लोग अपनी इंडस्ट्री में अभिनय की दुनिया में रहते हैं लेकिन बीच बीच में दद्दा के 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ दद्दा जी के सानिध्य में राष्ट्र कल्याण के लिए सर्वधर्म संभाव के लिए होते हैं। अच्छा लगता है कि आप जीवन की आपाधापी में जितना काम कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी मेंटल सुकून थोड़ी सी दिशा निर्देशन सूर्य संस्कार आचार व्यवहार लेने के लिए जो है पूज्य दद्दा के चरणों में हमेशा आते रहते हैं और ये सिलसिला जारी है। और अभी कल गुरु पूर्णिमा थी, आज से 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ इंदौर में हो रहा है। इंदौर की पावन धरती पर सभी जितने भी हमारे माध्यम से जहाँ जहाँ तक आपके माध्यम से आवाज़ जा रही है सब सादर आमंत्रित हैं, सब धर्म लाभ उठाएं। सावन का महीना है और एंजॉय करें। और हमारे लिए जहाँ तक उपयोगिता की बात है कि बोलते हैं कि हमारे जो सुपरस्टार हैं वो भोले बाबा नटराज हैं कि उन्हीं ने ही अभिनय को पैदा किया था और हमारे पूज्य गुरु जी जो हैं शिवलिंग निर्माण करवाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, लोगों को अच्छे विचार देते हैं और हम सब इस बात पे गर्व महसूस करते हैं।